देश के लिए शहीद होने वाले बहादुर एवं अविस्मरणीय पुलिसकर्मियों को आज हम सभी यहाँ याद करने के लिए व उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। इंदौर, मैं हूं मनस्वी और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक। आज का एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज इंदौर टॉक की टीम आपको लेकर आ गई है 15वीं बटालियन के इस शहीद स्मारक पर, जहां पर हर साल की तरह इस साल भी पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन किया गया है। हर साल हम सभी लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स के जितने भी सैनिक हैं उन सभी के शहीद होने पर अपना दुख प्रकट करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। पर ऐसे कई सारे अनसंग हीरो हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं और इंटरनल सेफ्टी हमारी इंश्योर करते हैं, पर अक्सर हम उनकी इस सेक्रीफाइस को भूल जाते हैं। और आज 15वीं बटालियन के इस ग्राउंड से हम ऐसे सभी पुलिस वाले जिन्होंने हमारी सेफ्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उन सभी को सैल्यूट करते हैं। एक तरीके से दुख भी लगता है कि हम अपने साथियों को ऐसे खो चुके हैं, पर एक तरफ से वी फील गर्व बिकॉज जैसे आपने देखा होगा हमारा अमर जवान जो है वो हमेशा अमर रहता है। सो आई फील प्राउड एट द सेम टाइम देयर इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड आई फील रियली रियली प्राउड। हमारे लिए बहुत ही इमोशनल दिन होता है और इस दिन हम याद करते हैं अपने उन शहीदों को, उन साथियों को जिन्होंने पूरे साल में कभी जनता की सेवा करते वक्त या डकैतों से मुठभेड़ करते वक्त या किसी और ड्यूटी के दौरान शहादत दी अपनी और अपने जीवन का न्यौछावर करके उन्होंने अनजान लोगों की जान बचाई है। तो ऐसे शहीद पुलिस साथियों को हम आज के दिन याद करते हैं। में जो चाइना के साथ मुठभेड़ हुई थी वो 1956 की मुठभेड़ थी, उसके कारण ये दिन खास चुना जाता है और हर साल हजारों पुलिसकर्मी इस अपनी ड्यूटी पर शहीद होते हैं। और इसकी तैयारी जो हर शहर में जहाँ भी पुलिस की यूनिट्स हैं वहाँ एक शहीद स्मारक रहता है और इस दिन में एक विशेष परेड का आयोजन होता है जो परेड बाकी दिनों की परेड से अलग होती है। I would say that all apples are not bad. हमारे सभी fingers एक जैसे नहीं होते हैं. If some people have had bad experiences with police, there are most people who have had very good experiences with police. So do not equate them all. हम यहाँ पे जनता की सेवा के लिए हैं. हम लोगों का primary duty, primary responsibility is safe keeping and maintenance of peace in our society. और हम उसी के लिए उसी तरफ हम बढ़ते हैं. तो support us. Respect us, love us. That's all I can say.